चलो बच्चा एक और नया सम, सम में इंफॉर्मेशन ध्यान से देखोगे तो क्या दिया हुआ है, x फाई अपॉन x प्लस वाई माइनस टू अपॉन x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस वन, सेम प्रोसीजर यहां नीचे भी दिया हुआ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा स्टार्ट करते कैसे हम लेंगे, तो आप बोलोगे सर लिखो सबसे पहले लेट वन अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ए, आप बोलोगे सर इसको आप रिड्यूसिंग फॉर्म में ले रहे हो, तो बच्चा बस वही पॉइंट हमें ध्यान रखना है, एंड वन अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू बी। तो यहाँ पे हम पहला स्टेप क्या लिखेंगे, फाई ए माइनस टू बी इज इक्वल टू माइनस वन, सेम वे यहाँ पे फिफ्टीन ए प्लस सेवन बी इज इक्वल टू हो जाएगा टेन। क्लियर है बच्चा, अब ध्यान से देखते हैं इसको हम आगे ले जाते हैं, तो इसको इक्वेशन वन बोला, इसको इक्वेशन टू बोला, तो यहां पे आप देखोगे फाइव है, यहाँ फिफ्टीन है, यहाँ टू है, यहाँ सेवन है। बच्चा ध्यान से देखोगे तो फर्स्ट वाले इक्वेशन को हम थ्री के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमारा काम हो जाएगा, तो लिखते हैं यहां पे मल्टीप्लाई इक्वेशन वन बाय कितने से करना है, थ्री से, तो यहां हो जाएगा फिफ्टीन ए, यहां पे होगा 6b, यहां पे माइनस थ्री, तो ये हो जाएगा हमारा तीसरा इक्वेशन। और यहां पे आप देखोगे ध्यान से तो दोनों हमारे कोएफिशिएंट a के इक्वल हो गए, तो बच्चा यही स्टेप को हम आगे ले जाना है, यहां पे लिखेंगे ऐड करना है कि सब्ट्रैक्ट, तो आप बोलोगे सर सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा क्योंकि साइन सेम नहीं है, डिफरेंट नहीं है, तो यहां पे लिखेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन टू फ्रॉम थ्री, थ्री में से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो यहां पे हमने लिखा 15a माइनस 6b इज इक्वल टू माइनस थ्री, सेम वे बच्चा यहां पे लिखा 15a प्लस 7b, और यहां पे आप बोलोगे प्लस 10 है तो सिंपल 10 ही लिखते हैं, तो यहां पे 10 साइन चेंज माइनस माइनस माइनस, तो ये 15a तो हमारा कट हो जाएगा, 15a कट होते ही आप बोलोगे सर यहाँ पे 6 प्लस 7 तो ये हो जाएगा 13b माइनस साइन के साथ, यहाँ पे आप बोलोगे माइनस 13 तो b आ गया हमारा माइनस 13 अपॉन 13 तो b होगा हमारा 1। ये आपको पहले समझ में आना चाहिए, जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है बच्चा तो हम वैल्यू पुट कर देंगे इक्वेशन 1 या 2 में, तो हम लिखते हैं b इज इक्वल टू 1, पुट ऐसे लिख देते हैं थोड़ा प्रॉपर तरीके से, यहाँ पे लिखेंगे पुट b इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन, आप बोलोगे 1, यहाँ पे हमने लिखा फाई a माइनस 2b इज इक्वल टू माइनस 1, तो यहाँ पे फाई a एज इट इज, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1 इज इक्वल टू माइनस 1, यहाँ पे फाई a ये माइनस 2 और ये माइनस 1, सॉल्व करते तो दूसरी साइड तो फाई ए इज इक्वल टू ये हो जाएगा, दूसरी साइड प्लस तो ये हो जाएगा कुछ इस तरह, तो फाई ए इज इक्वल टू बन जाएगा क्या बच्चा, ध्यान से समझना, वन ए इज इक्वल टू बन जाएगा वन अपॉन फाई। ये हमारा ए एंड बी दोनों आ गया बच्चा, ध्यान से देखोगे तो ए एंड बी दोनों आ गया, तो अब वैल्यू पुट करना है, हमें पता है वन अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ए, वन अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू बी, तो यहाँ पे वन अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ए की जगह बच्चा हम लिखेंगे वन बाई फाइव, और वन अपॉन एक्स माइनस वाई यहाँ पे वन है तो वन लिख दिया, क्लियर। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन तो यहाँ पे ये क्रॉस फाइव हो जाएगा, यहाँ पे एक्स प्लस वाई, और यहाँ पे तो सिंपली हमें लिखना है एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू वन, ये सामने ले जाएंगे, यहाँ कुछ है नहीं, अपॉन में वन ही है, तो होगा क्या 1 इंटू वन वन होगा, और ये x इंटू वाई जो हो जाएगा हमारा x माइनस वाई है वो 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। अब बच्चा बहुत सिंपल है, आपको क्या करना है, तो यहाँ इक्वेशन हमारा थर्ड आया था इसको बोल दो 4, इसको बोल दो 5, और यहाँ पे माइनस वाई है, यहाँ पे प्लस वाई है, तो एड लिख दो, एड 4 एंड 5, 4 एंड 5 को ऐड करेंगे तो यहाँ पे सिंपली x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, x माइनस वाई इज इक्वल टू आप बोलोगे 1, ये y y कट हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा, यहाँ पे 6, x इज इक्वल टू 3, तो ये हमारा आंसर आ गया x का। अब y के अब पुट करते हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं पुट x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन, कौन सा लोगे बच्चा, तो यहाँ फोर्थ ले लेते हैं, कौन सा फोर्थ लेते हैं,
phi इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, यहाँ पे हमने लिखा phi, ये हमने 3 लिखा, ये y, phi इज माइनस 3 इज इक्वल टू y, 2 इज इक्वल टू y, तो ये y का आंसर आ गया और ये x का आंसर आ गया और उसके साथ बच्चा हमारा ये पॉइंट खत्म हो गया। तो बच्चा सम थोड़ा लेंथी था, बस थोड़ा शांति से करना, जल्दी जल्दी में गलती ना हो वो ध्यान रखना। मिलते हैं बच्चा नेक्स्ट लेक्चर में नए एक सम के साथ।